वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे वो मिस वर्ल्ड अपने ज़माने की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री भी रहीं युक्ता मुखर्जी के बारे में, जिनकी हाइट काफ़ी अच्छी है। तो उनकी जो व्यक्तिगत जीवन रहा है और उनका जो अपना फिल्मी करियर ग्राफ रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये अभिनेत्री, मॉडल, नागरिक, कार्यकर्ता, सौंदर्य प्रतियोगिता शीर्षक धारक रहीं। ये मिस वर्ल्ड 99 की विजेता रहीं। दोस्तों, इनकी जो हाइट है वो बहुत ही अच्छी है, लगभग 181 सेंटीमीटर, जो कि 5'8" के अकॉर्डिंग होता है। दोस्तों, इनकी जो प्रथम प्रवेश हुई है वो तमिल पुवेल्लम उन वसम में तमिल फिल्म से अतिथि के रूप में, और हिंदी में प्यासा शीतल के रूप में, और भोजपुरी में कब कहवा तू आई लव यू, इस तरह से उन्होंने अतिथि भूमिका निभाई। दोस्तों, इनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात की जाए तो इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1977। वो ये बेंगलुरु कर्नाटक इनका जन्मस्थल है। ये इंडियन हैं और इनका गृहनगर बेंगलुरु हुआ, और इनकी पढ़ाई लिखाई वीजी बेस कॉलेज मुंबई, और इनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा। दोस्तों, इनका शौक है यात्रा करना, संगीत सुनना। इनके कुछ वाद विवाद भी रहे हैं। जून 2013 में युक्ता मुखी ने अपने पति प्रिंस तुली और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने घरेलू हिंसा के लिए आईपीसी की धारा 498 और 406 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, और 2014 में दोनों का तलाक हो गया। दोस्तों, ये तलाकशुदा हैं। ये शादी की थी 7 सितंबर 2008 को। उन्होंने सिख रीति रिवाज से राजकुमार तुली से विवाह किया, और पति प्रिंस तुली न्यूयॉर्क स्थित व्यवसायी हैं, और इनकी विवाह जो है 7 सितंबर 2008 को जो है इनकी शादी की तारीख है, और जून 2014 में इनका जो है वो डिवोर्स हो गया। इनके जो बच्चे हैं, बेटा का नाम है अरहेन तुली, इनके पिताजी का नाम है इंदरलाल मुखी और माता है अरुणा मुखी, इनके भाई हैं कंवल मुखी। दोस्तों, ये अभिनेता अक्षय कुमार इनको अच्छा लगता है, माधुरी दीक्षित को पसंद करती हैं, और गायक में सोनू निगम को। दोस्तों, युक्ता मुखी एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल रह चुकी हैं। इसके अलावा वो बहुत ही अच्छी अभिनेत्री भी हैं। मिस वर्ल्ड 99 का खिताब जीतने के लिए इनको जाना जाता है। युक्ता मुखी का जन्म बेंगलोर के एक सिंधी परिवार में हुआ। अपने जीवन के पहले 7 साल वो दुबई में पली बढ़ी। युक्ता मुखी के पिता एक वस्त्र कंपनी के प्रबंधक निदेशक थे। उनकी माँ मुंबई में एक ग्रूमिंग सैलून की मालकिन थी। वो अपने कॉलेज में जूलॉजी की छात्रा थी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एपटेक से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्हें संगीत में रुचि थी। उन्हें 3 साल तक भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा, और 22 साल की उम्र में उन्होंने 99 में फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा ली, जहां उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। और सेमीफाइनल राउंड के दौरान उनसे पूछा कि आप एक सच्चे खिलाड़ी को कैसे परिभाषित करते हैं, तो उनका उत्तर था जो उसे अंतिम चरण तक ले जाए। इस तरह से वो एक सच्चे खिलाड़ी को परिभाषित की। दोस्तों, युक्ता मुखी 99 को ओलंपिया लंदन में आयोजित 49वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्होंने दुनिया भर से 93 प्रतियोगिताओं के साथ प्रतिस्पर्धा की, और 1999 के मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में प्रश्न उत्तर दौर के दौरान युक्ता मुखी से पूछा गया अगर उसे दुनिया में कोई बनना हो तो वो कौन बनना चाहेंगी, जिस पे उन्होंने उत्तर दिया कि ये आइड्रे हेपबर्न होंगी। यह उनकी आंतरिक सुंदरता, करुणा और उनकी आभा थी, जो उनके अंदर जो शांति थी वो झलकती थी। युक्ता मुखी ने मिस वर्ल्ड 1999 का खिताब जीता, और उन्होंने लिनोर अबलगिल मिस वर्ल्ड 1998 ने ताज पहनाया। यह खिताब जीतने वाले चौथी एशियाई बनी। इस कार्यक्रम में उन्होंने एशिया और ओशिनिया क्वीन ऑफ ब्यूटी का खिताब भी जीता। जब युक्ता मुखी ने 2000 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में प्रियंका चोपड़ा को ताज पहनाया, तो वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार एक पूर्व मिस वर्ल्ड ने उसी देश की प्रतियोगी को वो खिताब पहनाई। तो मिस वर्ल्ड 1999 का खिताब जीतने के बाद युक्ता मुखी ने विभिन्न
धर्मार्थ और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। मिस वर्ल्ड 1999 के अपने खिताब की अवधि समाप्त होने के बाद वो सामाजिक और धर्मार्थ कार्यक्रमों में अपना योगदान देती रहीं। वो सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने स्वच्छ कल्याणी नगर जैसे कई पर्यावरण पहलुओं पर काम किया जो लोगों को न्यूनतम या शून्य अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले प्रथाओं को अपनाने के लिए शिक्षित करती हैं। उन्होंने भारत में बाल श्रम से मुद्दे को सुलझाने में योगदान दिया। तो दोस्तों, युक्ता मुखी एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री के साथ साथ बहुत अच्छी नागरिक हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं। तो भगवान उन्हें तरक्की दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। मैंने जो आपको ये जानकारी दी, आप सभी को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।